ये है मर्सिडीज़ की बिल्कुल ही नई जी एल ई, जो कि बिल्कुल ही नए जनरेशन के साथ आई है। बहुत ही फेमस एसयूवी है इंडिया में, और मर्सिडीज़ के लिए बहुत ही स्पेशल गाड़ी भी है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मर्सिडीज़ की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी भी यही है। तो लगभग 10 साल पहले इन्होंने जब ML के तौर पे इसे उतारा था, फिर जो है 2012 के आसपास इसे मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करा था इंडियन मार्केट में। उसके बाद इसकी जो डिमांड थी वो कंटिन्यूसली बढ़ती गई। लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इस नई SUV में, जो नई GLE है, उसमें क्या खासियत है, वो बात करते हैं इस वीडियो में। मैं हूँ प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंजस ड्राइव। पहले बात करते हैं इसके लुक के बारे में। वैसे तो मैं पहले बता दूं, ये लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट है, जो कि दूसरी स्टैंडर्ड अगर बाहर जो यूरोपियन या जर्मन में अवेलेबल थी उनसे अलग है। ये लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट है जो कि चाइना में भी मिलता है और इंडिया में भी ये मिलना चालू होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसके लुक के बारे में, तो आप अगर हेडलैम्प देखेंगे, ये पहले से ज़्यादा शार्प नहीं है, पहले से ज़्यादा थोड़ी सी रेडिकल शेप में हुई है, लेकिन वाइडर हुई है। दो स्ट्राइप यहाँ पर आती है LED इंडिकेटर्स की। ये जो LED हाई बीम LED है, जो कि मर्सिडीज़ की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो आप, जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो, जो कि एडेप्टिव लाइटिंग के साथ आई है। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखोगे, रगडनेस आपको मिलेगी, यहाँ पर भी स्कर्टिंग वगैरह सब दी गई है और काफ़ी बड़ा हुड दिया गया है। और मुझे लगता है कि ये SUV का जो स्टैंड है पहले के मुकाबले वो ज़्यादा वाइडर हुआ है, ज़्यादा लंबा हुआ है, और ज़्यादा इसमें स्पेस भी मिलेगी आपको। बट मुझे लगता है कि सामने की तरफ से ज़्यादा अग्रेसिव आपको देखने में लगने वाली है, और आपको ऑफ रोडिंग स्टाइल जैसे अब इन्होंने स्टैंडर्ड कर दी है, ये ग्रिल भी जो है ऑफ रोडिंग स्टाइल मर्सिडीज़ की दी गई है, जो आपको यहाँ पर मिलेगी। मगर हम बात करें साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी आपको काफ़ी भारी भरकम लगने वाली है। वैसे तो साइड प्रोफाइल में ज़्यादा एलिमेंट अलग नहीं है, लेकिन अगर आप विंडो लाइन देखोगे तो नॉर्मल आपको लगने वाली है। पीछे जो सी पिलर है वहाँ पे जो आपको ग्लास दिखेगा वो ज़्यादा शार्प हो गया है। मुझे लगता है साइड प्रोफाइल में ज़्यादा आपको जो है मस्कुलर शोल्डर लाइन देखने को मिलने वाली है। बाकी इसमें ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है जो साइड प्रोफाइल में आपको स्पेशल लगे। मगर जो गाड़ी की डायमेंशन है पहले से बड़ी हो गई है, अंदर भी जगह ज़्यादा हुई है क्योंकि लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट है। लेकिन अगर हम बात करें पीछे की तरफ भी, पीछे भी आपको जो है वो हैवी लाइंस जो है पीछे तरफ आते हुए दिख जाएंगी, और काफ़ी मस्कुलर पीछे का लुक भी है। लाइट्स जो है थोड़ी सी स्लीक है, और आपको जो है वहाँ पे दो स्केयर वहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पे आपको एक इनकी टेल लैम्प का सिग्नेचर लाइट भी कह सकते हो आप उसे। मगर मुझे लगता है कि ये ज़्यादा शार्प है पहले के मुकाबले, ज़्यादा ज़्यादा बोल्ड लुक इसे दिया गया है एक्सटीरियर में। और जो इसके व्हील्स हैं, व्हील्स की बात करें तो व्हील्स जो है 19 इंच और जो है 20 इंच के ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। मगर दो वेरिएंट ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, 300D और 400D। तो अब चलते हैं पहले इंटीरियर में देखते हैं क्या खासियत है। जैसा दिख रहा है मैं GLE के अंदर आ चुका हूँ, ये बिल्कुल ही नया इंटीरियर है। वैसे तो इस तरह का इंटीरियर जो है पहली बार मर्सिडीज़ अपना रही है, क्योंकि ये स्पेशली SUV के लिए ही बनाया गया है। मगर हम बात करें इसके लुक के बारे में, तो यहाँ पर आपको वही कनेक्टेड वाली 10.25 इंच की स्क्रीन मिलती है, दोनों ही कनेक्टेड हैं, ड्राइवर साइड का कंसोल और यहाँ पर जो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन। टच स्क्रीन है, ये टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर वही MBUX वाला फीचर मिलता है आपको। टच स्क्रीन बहुत प्यारी है, टच फीडबैक बहुत अच्छा है इसका, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन स्पेशल पार्ट इस गाड़ी का क्या लगता है, ये जो पार्ट है जो एक पूरा कनेक्टेड बनाया गया है, एक स्पेशली ड्राइवर के लिए एक पार्ट बनाता है कि दोनों स्क्रीन को इकट्ठे इसने अपने एक डिज़ाइन के एलिमेंट के अंदर रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये कनेक्टेड वाला फील बहुत अच्छा है। नया वही नया स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का बटन वगैरह सब वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर ना स्क्वायर आपको अब इस बार यहाँ पर AC वेंट्स मिलने वाले हैं, जो कि मैंने बताया जैसे SUV के लिए स्पेशली अब ये डिज़ाइन करेगी है, अलग से इंटीरियर जो कैटेगरी करेगी है। वैसे तो ये गाड़ी ई क्लास के बराबर है, जो मर्सिडीज़ का कहना है SUV की ये ई क्लास है, तो यहाँ पर भी आपको प्रीमियम फीचर, प्रीमियम मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छे यहाँ पे स्विचेस वगैरह है, वैसे ही स्विचेस है, लेकिन इंटीरियर काफ़ी अलग है दूसरी मर्सिडीज़ से, बट मुझे ये पसंद भी आया है। और यहाँ पर आपको कप होल्डर वगैरह मिलते हैं, और यहीं पर आपको जो है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, और जो है USB पोर्ट, और यहाँ पर दोनों कप होल्डर मिलेंगे, और यहीं पर ही आपको बड़ा सा टचपैड दिया गया है इसको यूज़ करने के लिए। यहाँ पे सारे आपके कंट्रोल्स हैं शॉर्टकट वाले, चाहे नेविगेशन हो, वॉल्यूम हो, चाहे इसका मोड सेलेक्ट करना हो, वो सब यहाँ पर आप जो है कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो है इसके
एक्टिव जो डैम्पर्स हैं, जिसे हम कहते हैं सस्पेंशन है, मैजिक सस्पेंशन जिसे हम कहते हैं इसके, वो यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्विचेस दिए गए हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए। तो ये जो वेरिएंट है वैसे 400D है, लेकिन इसका भी इंटीरियर काफ़ी अच्छा है और 300D का भी इंटीरियर में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस वो फीचर्स जो है वो चेंज है। और यहाँ पर जो बड़ा सा पैनारोमिक सनरूफ देखने को आपको मिल रहा होगा, ये भी स्टैंडर्ड है दोनों ही गाड़ियों में। तो मुझे लगता है कि इसका इंटीरियर बहुत ही प्यारा है और काफ़ी छोटी गाड़ी है, तो आपको जो है इंटीरियर भी काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। और यहाँ पर आपको सारे फीचर मिलते हैं, चाहे वो आपके वेंटिलेटेड सीट्स हों, मसाजिंग सीट्स हों, और यहाँ पर भी आपको सारे कंट्रोल्स वगैरह सब मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता है इस गाड़ी के अंदर आपको कोई भी कमी मिलने वाली है फ्रंट की, और स्पेस के लेकर या उसके एक्सपीरियंस को लेकर, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है फ्रंट का। अब चलते हैं रियर साइड, रियर साइड देखते हैं कैसा है। इसका जो रियर साइड है यहाँ पर आपको 69mm ज़्यादा मिलेगा पिछली जनरेशन से, और लॉन्ग व्हील बेस है तो भाई साहब स्पेस देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पर स्पेशली एडजस्टमेंट के लिए कंट्रोल्स दिए हुए हैं पिछली सीट को, जैसे आपको ई क्लास में मिलते थे। रिक्लाइनेबल सीट्स हैं, आप देख रहे हो जैसे मैं आगे कर रहा हूँ, और पीछे भी हो जाती है। और यहाँ पर भी आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस जो है एक लग्जरी का मिलता है, जैसे आप कोई एस क्लास में बैठे हो किसी मर्सिडीज़ की। लेकिन GLE में जो एक्सपीरियंस है वाकई में बहुत ही बढ़िया है। बोमस्टर साउंड सिस्टम है, स्पेस देखो बहुत ही ज़्यादा है, मैं इसके बारे में कंप्लेन कर ही नहीं सकता। हेडरूम बहुत ही अच्छा है मेरे लिए भी, और बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ पीछे तक आता है, एक्सपीरियंस बिल्कुल ही लग्जरी वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मर्सिडीज़ की इस गाड़ी के अंदर स्पेस के मामले में कोई प्रॉब्लम ही नज़र नहीं आती मुझे। और अगर आप बीच की सीट को भी देखेंगे ना, तो यहाँ पर इस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर कोई भी पैसेंजर यहाँ पर ट्रैवल करने जाता है बीच की सीट में, तो भी बहुत अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि हम्प जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ पर जो है एसी वेंट्स नॉर्मल है, मर्सिडीज़ है मिलेंगे, फोर जोन क्लाइमेट कंट्रोल है आपका, इधर का अलग और इधर का अलग, और यहाँ पर भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब मिलता ही आपको। और ऑप्शनल पैकेज में यहाँ पर स्क्रीन भी आपको मिल जाएगी, आपका एंटरटेनर पैकेज है जिसे हम कहें, लेकिन ये सनवाइज़र वगैरह सब दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर भी किसी भी चीज़ की यहाँ पर कमी रखी गई हो मर्सिडीज़ की तरफ से। तो ये मर्सिडीज़ GLE जो कि ई क्लास है अपने SUV सेक्टर की, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, लॉन्ग व्हील बेस है। तो जी आप अगर शॉफर ड्रिवन हो तो ये आपके लिए ही गाड़ी है। अगर आपको ये पसंद हो तो बुक कराइए, ले आइए, वैसे बुकिंग भी बहुत इसकी मैसिव हो चुकी है, तो अगर आपको बुकिंग करनी है तो जल्दी करनी पड़ेगी। बाकी जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बढ़िया लगा मुझे इस GLE का। इसमें जो है 825 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो कि 2000 लीटर तक एक्सटेंड हो जाता है अगर आप जो है सेकंड रो फोल्ड कर दें। लेकिन ये जो स्पेस है इतना बड़ा पहले नहीं था, क्योंकि इसकी वजह है ये गाड़ी जो है 7 सीटर ऑप्शन में भी अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन इंडिया में अभी ये सीटिंग ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया गया। इसी वजह से अभी इस गाड़ी के अंदर जो है मैसिव बूट स्पेस आपको मिलेगा। तो इस मर्सिडीज GLE के अंदर दो वेरिएंट आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको 300D एंड 400D। 300D है वो जो है आपको 2000cc के आसपास का इंजन मिलता है, और वो जो पावर निकालती है लगभग 245 हॉर्स पावर की और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है। और जो 400D है ये 3000cc का इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन है जो पावर निकालता है ये 330 हॉर्स पावर और 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दोनों की जो 0 to 100 की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है। लेकिन इसके अंदर स्पेशल फीचर क्या आ रहा है, इसके अंदर स्पेशल फीचर है वो है अडेप्टिव इसके सस्पेंशन। जैसे अगर हम कहें कि एयर सस्पेंशन है उसका एक पार्ट है। मर्सिडीज का कहना है ये ई एक्टिव बॉडी कंट्रोल सस्पेंशन है, ये ऑफ रोडिंग में आपको ज़्यादा काम देंगे। अगर आपकी जो कार है या SUV है फंस जाए मड़ी रस्ते में, स्टक कर जाए, तो वहाँ पर अगर आप इसे ऑन करेंगे, इसमें एक स्पेशल फीचर है हिप हॉप स्टाइल जो है गाड़ी को हिलाने का, जिसकी वजह से आप जो है उस स्टक सिचुएशन से निकल सकते हो। और आप जो है इंडिविजुअली अपने टायर के जो भी सस्पेंशन है, चाहे आगे का हो पीछे का हो, इंडिविजुअली आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। तो ऐसे फीचर जो है इस एक्टिव बॉडी कंट्रोल में आपको मिलने वाले हैं। और इसमें एक और खासियत है, अगर आपको डायनामिकली वर्क देखना चाहते हो तो ये
कॉर्निंग पे एक तरफ बेंड भी हो जाते हैं ताकि आपको मोटरसाइकिल जैसा जो है एक स्टेबिलिटी भी मिल पाए, ताकि जो ये एसयूवी है ड्राइविंग के मामले में भी काफ़ी बेटर हो। तो ये फीचर यहाँ पर आ गए हैं और नॉर्मल है जो मर्सिडीज प्रोवाइड कर रही है अपनी गाड़ियों में। 9 एयरबैग है और आपको जो है एडेप्टिव ब्रेकिंग भी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जो नॉर्मल फीचर है, जो हाई एंड फीचर है मर्सिडीज़ के, वो इस गाड़ी में प्रोवाइड हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 400D में है। 300D में नॉर्मल फीचर होंगे, वो जो 400D वाले हैं वो वाले फ़ीचर नहीं होंगे। जैसा मैं आपके सामने चार्ट दिखा रहा हूँ, बस वही फ़ीचर नहीं होंगे इसके अंदर। अब जो इसका प्राइसिंग के बारे में बात करें, तो जो प्राइसिंग है इसका वो दिया गया है 300D का, 73 लाख के आसपास दिया गया है। वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन वाली गाड़ी है, यहीं पे ही पुणे में के प्लांट में बनेगी। और जो दूसरा वाला है 400D, वो जो है बाहर से इंपोर्ट करके आएगी, CBU की यूनिट है। तो उसका प्राइस यहाँ पर महंगा दिया गया है, 1,25,00,000 का प्राइस है उस गाड़ी का। लेकिन मैक्सिमम फीचर भी उसी आपको सेगमेंट में या उसी गाड़ी के आपके वेरिएंट में मिलने वाले हैं 400D में। आपको ये गाड़ी कैसी लगी बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अगर गाड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारी वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन ड्राइव।